नया साल 2023 का आगाज हो चुका है। महाराष्ट्र के सिद्ध विनायक मंदिर वाराणसी के 80 घाट में सुबह होते ही साल की पहली आरती हुई। ऐतिहासिक स्थलों और टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की काफी भीड़ रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल के स्वागत का उत्साह इतना था कि लोगों में कोरोना का खौफ तक नहीं दिखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ईयर के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 2023 आप सभी के लिए आशा, खुशी और अच्छी सेहत और कामयाबी से भरा हो। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देश के लोगों और विदेश में रह रहे भारतीयों को नए साल की बधाई दी।